गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग बिग कैश बॉक्स ट्रेडर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, और स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स अलग अलग होते हैं। काफ़ी ट्रेडर्स काफ़ी अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग वेज यूज़ करते हैं टू सिलेक्ट द स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो लेकिन कुछ स्टॉक्स में देखिए, कुछ स्टॉक्स में न्यूज़ होती है या कुछ स्टॉक्स में कुछ ऐसा एक पैटर्न बना होता है जिससे कि नेक्स्ट डे में उस स्टॉक में ट्रेड करके कुछ पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन बिग कैश बॉक्स वे ऑफ स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ये थोड़ा सा अलग मेथड है दोस्तों। देखिए, हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हटके है, ना कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हम करते हैं, क्योंकि न्यूज़ बेस में मार्केट किसी भी और जा सकता है। देखिए, न्यूज़ जब आती है तो वो न्यूज़ ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंटेड होती है, और जब मार्केट में एक्चुअली जब न्यूज़ आती है मीडिया में तो पैनिक सा हो जाता है माहौल, और स्टॉक जो है फिर रैंडमली मूवमेंट करने लगता है, किसी भी और जा सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क कम करने के लिए, हालांकि रिस्क तो होता ही है स्टॉक सिलेक्शन में, लेकिन रिस्क कम हो जाए और एक प्रॉफिटेबल स्टॉक हमें मिले, इसलिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो आपको मैं आज बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ बिग कैश बॉक्स चैनल जो है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा। तो चलते हैं फिर स्टॉक सिलेक्शन में। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपको NSE इंडिया के साइट पे जाना है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइट ओपन करके रखी है। देखिए, ये NSE इंडिया की साइट है। आज की डेट भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, January 24, 2019, और मार्केट आवर्स ऑलरेडी क्लोज हो चुका है क्योंकि 7:15 हो रहे हैं शाम के। तो इसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए लाइव मार्केट में जाना है, और ये मेथड जो है दोस्तों आपको शाम को ही यूज़ करना है, ना कि लाइव मार्केट में। जब मार्केट बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तभी ये स्टॉक सिलेक्शन मेथड आपको यूज़ करना है। तो लाइव मार्केट में आपको जाना है OI स्पर्ट्स, ये दिख रहा है आपको OI स्पर्ट्स, ये है लाइव एनालिसिस में OI स्पर्ट्स। तो इस सेक्शन में आपको जाना है दोस्तों। OI स्पर्ट्स जो है बेसिकली ये होता है ओपन इंटरेस्ट स्पर्ट्स, मतलब जो जिन स्टॉक्स के ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हाई हो चुके हैं, इन स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पे आती है। तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है देखिए आप। तो इसमें जो है आपको एकदम ऊपर के जो 7 या 8 स्टॉक्स है ये सिलेक्ट करने हैं। तो मैं बायोकॉन तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए बायोकॉन, ये देखिए ऊपर के जो 7 स्टॉक्स है ये आपको इसमें सिलेक्ट करने हैं। सो यही जो स्टॉक्स है दोस्तों, यही जो 7 स्टॉक है अभी इसमें आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी भी है। तो बैंक निफ्टी में हम जनरली फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते, तो इसको आपको इग्नोर करना है, मतलब मैं इसको इग्नोर करता हूँ। और बाकी जो स्टॉक्स है, KPIT, इंडिगो, उज्जीवन, कोलपाल, ये दिख रहा है अदानी पावर, एक्साइड इंडस्ट्रीज और बायोकॉन, इन स्टॉक्स में जो है ये मेरी वॉच लिस्ट में कल रहेंगे, और ये मेरे इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन है। अभी देखिए दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट का फंडामेंटल्स ये है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये आपको दिखाएगा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं इन स्टॉक्स के ओपन इंटरेस्ट में, मतलब इन स्टॉक्स में जो है वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, मतलब इंटरेस्टेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है या जो इंटरेस्टेड जो इंडिविजुअल्स है, जो ट्रेडर्स है, वो इसमें बढ़ गए हैं। तो इन्हीं स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है। देखिए, ओपन इंटरेस्ट का ये फंडा होता है कि स्टॉक अगर पॉजिटिव में बंद हो, स्टॉक अगर ऊपर जाके बंद हो और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है तो स्टॉक में बायर्स ज़्यादा है,
और आपको इन स्टॉक्स को बाई ही करके चलना है, ये होता है। तो ये सारे स्टॉक्स आपको, ये जो 7 स्टॉक है ऊपर के, 7 या 8 स्टॉक, इनको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और अगर स्टॉक्स ऊपर है और बाय इसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको उस स्टॉक में बाई करके चलना है दोस्तों, उसमें सेल नहीं करना है, उसमें बाई ही करना है। और अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है और स्टॉक नेगेटिव में बंद हुआ है तो उस स्टॉक में आपको सेल करके चलना है। ये आप याद रखिए, अगर ये आपको समझ में नहीं है तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए और इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम इन स्टॉक्स को हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं दोस्तों, और हम WTSS लेवल जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो हमारी जो WTSS स्ट्रेटजी है, लेवल्स की स्ट्रेटजी, इनको आप, अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ मेरे जो वीडियोस है वो चैनल पे देख लीजिएगा। WTSS लेवल जो होते हैं वो डायनामिक लेवल्स होते हैं दोस्तों, जिसमें हम एक दिन पहले ही चार्ट पे इन लेवल्स को डिप्लॉय कर देते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग देखो बाय सेल होता है। और हमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करके रखते हैं। तो हम इस लेवल से देखिए, इन लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाती है दोस्तों, और ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। और इन WTSS स्ट्रेटजी जो है वो बड़े बड़े FIIs और DIIs भी वॉच करते रहते हैं इन लेवल्स को, तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड होता है दोस्तों मार्केट में। तो हम इन स्टॉक्स को, जो पहले जो 7 या 8 स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में एक दिन पहले ही ऐड करके रखते हैं और इन स्टॉक्स को WTSS लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो मैंने स्टॉक सिलेक्शन मेथड आपको बता दिया। WTSS मेथड आपको जानना है तो मेरे बाकी वीडियोस आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन करके भी का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।